बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम दवात होती है, आज उनमें से कुछ ने हथियार थाम लिए। मेरठ के बहसुमा इलाके में नवजीवन इंटर कॉलेज के 9वीं के छात्र ने गोली मारकर अपने ही साथी की हत्या कर दी। इससे पूर्व घायल स्टूडेंट को उपचार के लिए ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा इस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर का इंतजार किया जा रहा है। यह घटना बुधवार की सुबह नवजीवन इंटर कॉलेज के पास हुई। आज कक्षा 9 का रिजल्ट वितरित किया जा रहा था। बाहर तमंचे से गोली चलने की आवाज सुनकर सभी उधर दौड़े तो नितिन नामक स्टूडेंट नीचे गिरा हुआ था। उसे गोली लग चुकी थी। घायल नितिन को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नितिन फिरोजपुर गांव का रहने वाला था। हत्या के पीछे वंश नामक स्टूडेंट का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इस बारे में एसपी क्राइम राम अर्ज ने यह जानकारी दी। ये आज सुबह की घटना, लगभग 11 बजे की, नवजीवन इंटर कॉलेज है वहाँ बैशुमा में। वहाँ दो छात्र जो कक्षा 9 पढ़ते थे अपना रिजल्ट कार्ड लेने आए थे, जिसमें एक छात्र नितिन को जो है गोली लगी है। वंश कुमार द्वारा गोली मारना बताया गया है। थाना प्रभारी मौके पर हैं और इसकी जांच कर रहे हैं, और अभी इनके जो पीड़ित हैं उनके परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, और अग्रिम कार्रवाई इसमें तहरीर प्राप्त होती की जाएगी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।